हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुशवाहा और आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं एयरटेल में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। इन सारी वैकेंसी हुई है यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे और इसे कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें हमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया और साथ में मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर रखा है, जिस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से कि डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल रिक्वायरमेंट 2019, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसी पेज पर आप डायरेक्ट आएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों, अपने को नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल रिक्वायरमेंट 2019 अप्लाई ऑनलाइन इंजीनियर डीटीएच अकाउंट्स, बहुत सारे वैकेंसी है, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल के जो भी वैकेंसी यहाँ पर 10वीं पास आए, 12वीं पास आए, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रूलर प्रीपेड यहाँ पर ऑपरेशन के लिए है, प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, ब्रांच मैनेजर के लिए, डीटीएच के लिए और टीम लीडर के लिए बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पर। और भी यहाँ पर जो मेनी मोर वैकेंसी है यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा, एप्लीकेशन फ़ी कोई देने की जरूरत नहीं है, फ्री है यहाँ पर। मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर नो लिमिट है। और यहाँ पर जो भी है यहाँ पर इस लिंक में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, अपने को इस लिंक पर क्लिक करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉब ओपनिंग 125 पेज में है, 349 यहाँ पर टोटल जॉब ओपनिंग हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हेड क्वालिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर असम गुवाहाटी के लिए है, यहाँ पर मतलब इंडिया के सारे लोकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे कि आप दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हरियाणा मानेसर के लिए है, गुड़गांव के लिए है और भी बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर जिस भी मतलब पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है इंजीनियर एप्लीकेशन, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर टास्क के लिए है, टीम पार्टनर के लिए है और यहाँ पर बहुत तरह के मतलब स्टोर मैनेजर के लिए है और भी वैकेंसी, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है। जिस भी वैकेंसी के लिए दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही आसान है यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई का एक आइकन भी दिख रहा है, इस पर अपने को क्लिक करना होता है। जिस भी वैकेंसी के लिए आप दोस्तों अप्लाई करना चाहें, उस वैकेंसी के बगल में आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अगर आप स्टोर मैनेजर के लिए करना चाहें, आप स्टोर यहाँ पर जिसके लिए भी आप दोस्त करना चाहें, यहाँ पर देख सकते हैं 10 पेजों में यहाँ पर दिया गया है। आप नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं, आप अपना एरिया ढूंढ सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पर आप सेकंड पेज भी यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। सेकंड पेज व्यू करने के बाद यहाँ पर सेकंड पेज व्यू होगा और सेकंड पेज के अंदर जो भी वैकेंसी होगी सारे आपको दिख जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अगर आपको दोस्तों अप्लाई करना है या जिसके लिए भी अप्लाई करना हो दोस्त, उस पोस्ट पर अपने को अप्लाई पर क्लिक करना होता है सिंपल सा। अप्लाई पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर लॉगिन करना होता है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना होता है। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है दोस्त, तो दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू यूज़र, यहाँ पर अपने को न्यू यूज़र पे क्लिक करना होता है। अपना यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करना होता है, यहाँ पर न्यू यूज़र पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांग रहे हो उस डिटेल्स को आप भरिए और अपना यहाँ पर आईडी बना लीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना है और अपना आईडी यहाँ पर बना लेना है। आईडी बनाने के बाद दोस्तों आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको दोस्त डायरेक्ट फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिलअप करके दोस्त आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से एयरटेल के जॉब के लिए किसी भी पोस्ट के लिए दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।